एक मेरा एक सवाल यही था आपसे कि जैसे बहुत सारे तकफीरी लोग होते हैं, वो मतलब इस पे उस पे कुफर का फतवा लगाते रहते हैं, तो और वो ये भी कहते हैं कि जैसे सल्फी कोई सल्फी भी एक सेक्ट बनाना है, तो आप कोई दूसरा सेक्ट बना रहे हो और इस्लाम में कोई सेक्ट नहीं, तो आप लोग भी एक मतलब बिदत की तरफ जा रहे हो। तो मतलब और अगर अपन मना करते हैं कि तकफीर करना अपना काम नहीं है, इसके कुछ शुरू होते जवाबित है, वो बोलते कि आप फिर मुर्जिया हो, ऐसा बोलते हैं, तो इसका क्या जवाब सकते हैं? देखिए, जो आपका जवाब है वो आपका जवाब बिल्कुल सही है। आप उसी पर अमल कीजिए। तकफीर करना, देखिए, एक होता है तकफीर मुतलक और एक होता है तकफीर मुअय्यन। तकफीर मुतलक का मतलब ये है कि आप ये कहो कि फला काम करना कुफर है। अगर किसी ने फला काम किया तो उसने कुफर किया, ये एक जनरल बात आपने कही, इसको तकफीर मुतलक कहा जाता है। और तकफीरे मुअय्यन का मतलब कि फला आदमी, जैद, अमर, बकर, फला आदमी वो काम कर रहा है कुफरिया काम, आप हुक्म लगाएं कि तू काफिर हो गया, इसको तकफीरे मुअय्यन कहते हैं। और तकफीरे मुअय्यन के लिए कुछ शुरूत और जवाबित हैं। उन शुरूत और जवाबित में से बुनियादी बातें ये है कि जो आदमी वो काम कर रहा है, पहली बात तो वो काम कुफरिया हो, दूसरी बात वो आदमी उसको जानबूझ करके कर रहा हो, तीसरी बात वो आदमी मुअव्विल ना हो, उसके पास कोई तामील ना हो, तामील ना कर रहा हो, वो आदमी जाहिल ना हो, ये और भी कई शुरूत और जवाबित है। ये तमाम शुरूत और जवाबित जब पाए जाएंगे तब उस आदमी की और हाँ, उस पर हुज्जत कायम कर दी जाए, सबसे अहम बात, उस पर हुज्जत कायम कर दी जाए। तो इन अल्लाह के, मैं आप देखिए, मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शेख हाशिम, बस आधा मिनट, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक शादी में या किसी मुनासबत पर बच्चियां गीत गा रही थी, तो वो बच्चियां क्या कह रही थी, वफीना नबीयुन यालमु मा फी गदिन, क्या इस तरह के अल्फाज थे कि वो अपने अशआर में वो कह रही थी कि हमारे पास एक ऐसा नबी है जो कल की बातें भी जानता है, गैब जानता है। अब अगर कोई इंसान किसी इंसान के बारे में गैब का अकीदा रखे तो ये कुफरिया अकीदा है, क्योंकि गैब का इल्म अल्लाह के साथ खास है, ये कुफरिया अकीदा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कानों से सुना, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम लोग काफिर हो गए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बाकी जो तुम लोग गा रही थी वो तो गाओ, ठीक है, बहुत अच्छा, लेकिन ये जो आप तुमने ये कहा कि नबी कल की बातें जानता है, इसको छोड़ दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना किया, आपने उनकी तकफीर नहीं की। क्यों तकफीर नहीं किया? क्योंकि उन्हें पता नहीं था, वो जाहिल थी। इस तरह बेशुमार वाकयात हैं। तो तकफीरे मुअय्यन के लिए शुरूत और दवाबित होते हैं, और सबसे आखिरी और अहम बात यह है कि किसी आम आदमी का काम नहीं है, ये उलमा रासिखीन का काम है, जिनके पास इल्म है। आप तकफीर का दरवाजा खोलेंगे, हर आदमी एक दूसरे की तकफीर करता फिरेगा, आप मेरी मुखालफत करोगे मैं आपकी तकफीर करूंगा, आप मेरी तकफीर करोगे, कोई मुस्लिम बचेगा नहीं। तो ये बहुत खतरनाक मसला है, इससे आप बचिए। और बाकी जो ये कहते हैं कि मुर्जिया है, देखिए मुर्जिया का मतलब ये होता है कोई ये अकीदा रखे कि बुरे आमाल करने से ईमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुनाह करने से ईमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उसका ईमान मुकम्मल रहता है, तो वो मुर्जी मुर्जी है। और हम ऐसा थोड़ी कहते हैं, हम तो कहते हैं कि गुनाह अगर कोई कर रहा है तो उसके ईमान में कमी आती है, नेकी करने से उसका ईमान ज्यादा होता है। तो बहरहाल आपका जो मौकिफ है वो सही है, आप उस पर कायम रहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो अब आप उनका क्या करेंगे?